अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो अपना टारगेट रहेगा वो 4.1 का टारगेट रहेगा कि 4.1 पूरी करेंगे, और 4.3 के लास्ट क्वेश्चंस करेंगे जिसके थ्रू अपना ये चैप्टर कुछ कंप्लीट होगा। 4.3 के इनिशियल क्वेश्चन की ऑलरेडी एक रिकॉर्डिंग बन चुकी है तो वो उस पर देखना है, ठीक है। सो लेट अस गो विद द क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ ये बता रहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो जो भी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, आपको बता दूं, जो भी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, अगर इस फॉर्म की कोई इक्वेशन बन रही है तो कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कोई इक्वेशन ऐसी की बने है x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, वो तो कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक। तो बिना सोचे समझे आप उसको क्वाड्रेटिक बोल सकते। तो सर ये तो आपने बता दिया कौन सी क्वाड्रेटिक है, तो सर कौन सी क्वाड्रेटिक नहीं है? अगर कोई भी इक्वेशन ऐसी गिवन है, क्या एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो ऐसी इक्वेशंस को दोस्तों लीनियर इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन बोलते हैं? लीनियर। अपन करते तो हैं 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू कितना, ये लीनियर इक्वेशन हो, इजंट इट। तो जब एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो कौन सी है? लीनियर। अगर आपको गिवन है एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी या वाई इज इक्वल टू कितना, एक्स प्लस बी, ये भी कौन सी है? लीनियर। क्वाड्रेटिक के लिए ये बात काफी श्योरिटी होती है कि पावर में क्या आना चाहिए? स्क्वायर। पावर में क्या आना चाहिए? और दो रूट्स होना जरूरी है, वन रूट इज अल्फा द अदर वन इज बीटा, वन रूट इज अल्फा एंड द अदर वन इज बीटा। तो दिस इज अल्फा एंड दिस इज व्हाट? बीटा। गॉट इट? व्हाट नेक्स्ट? अगर मैं आपसे नेक्स्ट पूछना चाहूं या समझना चाहूं, तो कभी अगर ऐसी कोई इक्वेशन है ए एक्स क्यूब के साथ, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस सी, तो ऐसी इक्वेशन हमेशा क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगी दोस्त। ऐसी इक्वेशन कौन सी कहलाएगी? क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगी, या जिसके तीन रूट्स हों, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, तो वो कौन सी कहलाएगी? क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी? क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगी। एक बार आप चेक कर, ठीक है, अच्छी बात है। मैंने बोला हाँ मुझे भी ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन नंबर 1 देखना है कि जहाँ पे क्यूब खुल रहे हैं वो क्यूबिक है। क्वाड्रेटिक के लिए पावर में स्क्वायर कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट बोलता है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 528। मतलब देखो भाई, एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू कितना, राइट? 528, 528 इज इक्वल टू कितना? लेंथ इनटू ब्रेथ। और बोला लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। मतलब अगर ब्रेथ एक्स है, अगर ब्रेथ क्या है? एक्स, तो लेंथ इज वन मोर देन ट्वाइस द, तो वो क्या हो गई? 1 प्लस 2x, क्योंकि बोला वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। तो अपन ने ब्रेथ को क्या मान लिया? एक्स। तो ये इक्वेशन खुल के आ गई, 528 इज इक्वल टू 2x² प्लस कितना? एक्स। और 2x² प्लस एक्स माइनस 528, दिस इज इक्वल टू व्हाट? 0। सर अगर आप 2 × 528 करो, इट इज 105। ठीक है, बीच में से तोड़ना है कि किसी प्रकार से यहाँ पे 1056 आ जाए। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि 32 × 33 करके देखो कितना आता है, कभी आ जाए तो करके देखो 32 × 33 कितना आ रहा है, बताओ कितना आ रहा है? आ रहा है। तो सर इसको बोल सकते हैं 2x² प्लस, अगर मैं बोलूं तो प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इज इक्वल टू कितना? 0। तो सर आपने 2x कॉमन, x कॉमन ले लिया। मैंने बोला हाँ यार x कॉमन ले लेते हैं अपन, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? 2x प्लस 33, और यहां से अगर कितना 16 कॉमन ले लेंगे, तो ये 2x और 16 शायद 33 जा एग्जैक्टली ये हो जाएगा, x माइनस 16 और 2x प्लस 33 वुड बी द। लेकिन सर क्योंकि कोई चीज लेंथ या ब्रेथ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना? 16। यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 32, बट नेगेटिव आंसर को हटा देंगे, आपके पास ब्रेथ कितनी आ गई? 16।
लेंथ कितनी होगी, 1 प्लस 2x, तो लेंथ इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इनटू 16, दैट इज इक्वल टू कितना 30, दैट इज इक्वल टू, इजी क्वेश्चन था सर, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का क्वेश्चन था, क्लास 9th में भी थोड़ी सी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करी होगी, तो ठीक है ना सर। अगला बोला है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ व्हाट टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 306, मतलब एक नंबर तो क्या होगा x, तो मतलब से चुपका हुआ x plus 1 that is equal to कितना 306। सर यार मैं तो ऐसा सोचता हूँ कोई ऐसा नंबर तुक्का ही मार ले कि जो दोनों पास पास के हों तो जिससे 306 आ जाए शायद, तो मुझे पता नहीं मतलब, लेकिन 18 और 17 करके देखो कितना आ रहा है, चाहे 18 17 सोचो कितना आ रहा है। तब तक मैं इक्वेशन खोलता हूँ, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 18 इंटू 17 कितना आ रहा है 306। वाओ वी हिट द जैकपॉट, इजंट इट। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 कितना, अगर मैं बात करूं तो x x प्लस 18 माइनस 17 प्लस 18 इक्वल टू 0, x माइनस 17 इक्वल टू 0, x प्लस 18 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना 17 या x इक्वल टू माइनस 18। नॉर्मली आप 17 ले लोगे क्योंकि नेगेटिव नहीं आना है, 17 और 18 वो नंबर हो जाएंगे सर। ठीक है अच्छी बात है, मैंने बोला मुझे भी बहुत अच्छी लगी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही करना था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो रोहन्स मदर इज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन की माँ, पहले अगर रोहन एक्स का है तो रोहन की मॉम उनसे 26 साल बड़ी है, माँ तो बड़ी ही होती है ना, तो एक्स प्लस कितना 26। बोला प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब क्या हो गया, एक्स प्लस 3 ये 3 साल बड़ा हो जाएगा रोहन, और रोहन की मॉम वो भी 3 साल बड़ी हो जाएंगी, तो x plus 26 plus 3, so that is x plus 29, उनका प्रोडक्ट होना चाहिए 360, we say x plus 3 into x plus 29 equal to कितना, सर चाहे तो यहीं से कुछ तुक्का मार सकते हैं बट ठीक है आप चाहो तो सो खोल लो, तो कितना हो जाएगा x square plus 29x plus 3x प्लस 3 इंटू 29 दैट इज 87 इक्वल टू कितना, वाओ x स्क्वायर प्लस 32x, इसमें से इसको माइनस कर दिया, अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं यहां पे शायद 273 आ जाएगा शायद, चेक कर लो सर, अपन बात कर बात है 273 आ गया सर। अब क्या करा जाए तो अगर मैं बात करूं कि अब क्या करा जाए तो 32 को ऐसे स्प्लिट करना है जिससे 273 आए, है क्या कोई जुगाड़ कि अगर अपन देखें तो 24 इंटू 8 कितना हो, ना ना ना, और 12 मेरे ख्याल से 18 इंटू 14 भी नहीं है, बट 273 आ रहा है, एक बार चेक कर लो, 87 गए तो एक बार चेक करो तो 18 इंटू होगा तो नहीं, चेक करो किस में आ रहा है एक बार ये, या अच्छा इसको आगे से देखें क्या, 40 इंटू 8 320, 39 इंटू 7 चेक करो, 39 इंटू 7 वाओ, तो x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू कितना, जीरो।
एक्स माइनस सेवन प्लस 39 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सेवन। तो रोहन आज कितने साल का है? सात। उसकी माँ से 26 साल का होगी, बड़ी। तो सेवन प्लस क्या कर देना, 36। हाँ कि ना, ठीक है। तो मॉम की जो एज होगी वो सेवन प्लस क्या हो जाएगी, 26, दैट इज इक्वल टू 30। चले अगला दिया हुआ है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब सीधी बात है, ट्रेन की जो स्पीड है कितना डिस्टेंस है भाई, देखो डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, स्पीड फिर मान लेते हैं x, ठीक है ना। टाइम को अपन मान लेते हैं t1, ठीक है ना। बोलते हैं इफ द स्पीड हैव बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब डिस्टेंस तो होता ही 480, अगर स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो टाइम उसको 3 आवर्स मोर लगता, 3 आवर्स मोर देन कितना t1, हाँ कि ना। तो हमने बोला ठीक है, हमारे पास तो एक छोटी सी बात है भाई, टाइम 2 माइनस टाइम 1 इज इक्वल टू कितना 3, टाइम 2 माइनस टाइम 1 इज इक्वल टू कितना 3। तो टाइम 2 इज व्हाट, अगर मैं बात करूं तो 480 अपॉन में कितना x माइनस 8, टाइम 1 इज अपॉन 480 अपॉन में कितना x, बिकॉज टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू कितना दोस्त 3। तो सर ये भी अच्छी बात है, तो सर अगर अपन 480 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में कितना आएगा, 1 अपॉन में x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 160। सर ये बात भी सही है, मैंने बोला हाँ यार ये बात भी सही है, तो 160 ये यहाँ पे गया और ये यहाँ पे गया, तो x माइनस 8 होल अपॉन में x इनटू कितना x माइनस 8। तो सर अगर अपन x से x कैंसिल कराएं तो 160 इनटू 8 इज समथिंग अराउंड 1440, और ये गया इधर, अगर अपन बात करें तो नहीं 160 इनटू 8 इज, अगर अपन देखिए 1280 होता है x square minus कितना, ये इधर गया तो square minus 8x minus 1280 is equal to, अब अगर मैं बात करूं 1280 को, 8 को स्प्लिट करना है किसमें, 1280 में। सर कहीं ना कहीं अगर अपन बात करें तो हमको माइनस में ही चाहिए, एक बार पहले 40 इंटू 32 कर दो, कितना 40 इंटू 32 1280, तो माइनस 40x प्लस कितना 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू कितना आ गया, अच्छी बात है। अब अगर अपन x कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में कितना आएगा, x माइनस 40 कॉमन ले तो ब्रैकेट में कितना आएगा, x माइनस 40, इन शॉर्ट इट वुड बी x प्लस 32 इनटू x माइनस 40 इक्वल टू x इज इक्वल टू 40। क्या सर क्वेश्चन टफ था, मुझे तो टफ नहीं लगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के गेम पे चल रहा है ये क्वेश्चन, है ना, तो इजी क्वेश्चन। सर 4.3 पर्टिकुलरली 4.3 के कुछ एंड वाले क्वेश्चंस हमारे लास्ट लेक्चर में नहीं आए थे, तो हम एक बार 4.3 के कुछ एंड वाले क्वेश्चंस लेंगे पहले, क्योंकि अपन इससे 4.3 को भी क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। जहां तक मैं समझता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर मुझे 8 से कराना है, तो क्वेश्चन नंबर 4.3 क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है आपको, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब डिस्टेंस कितना है 360, स्पीड कितनी है x, और टाइम मान लेते हैं t1। आपको बोला है अगर इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, मतलब डिस्टेंस तो 360 रहेगा, अगर स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा होती वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, मतलब टाइम 2 इज
वन आर लेस देन इससे, टाइम वन तो टाइम टू इज वन आर लेस देन, वन आर लेस देन टी वन, कहीं ना कहीं टी वन माइनस टी टू इज इक्वल टू वन का अर्थात क्या, अगर मैं पूछूं या समझूं तो 360 अपॉन में कितना, अगर मैं बात करूं 360 अपॉन में x माइनस 360 अपॉन में x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना, 1। अगर 360 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 बाय x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ये गया, यहाँ पे ये गया, तो x प्लस 5 माइनस x अपॉन में x इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू कितना, 1। 360 इंटू 5 इज 1800 इज इक्वल टू कितना, x स्क्वायर प्लस 5, 1800 इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस 5x, सही है सर, प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू कितना, तो ठीक है इसको तोड़ना है कि 1800 आ जाए, 5 कैसे तोड़ना है जिससे 1800 आए, तो खुद सोचो कि किस प्रकार से हम लोग जाएंगे और कहां तक जाएंगे, अगर अपन लेके चले तो 5 को कैसे तोड़े कि क्या आ जाए 1800, शायद 45 और 40, यस बिल्कुल सही, तो x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट में x प्लस इक्वल टू, सर अगर अपन बात करें x माइनस 40 x प्लस 45 इक्वल सर x इक्वल टू कितना 40, तो सर टाइम कभी x स्पीड कभी नेगेटिव तो हो सकती नहीं है, इग्नोर कर देंगे, हमारी स्पीड कितनी आ गई 40, तो क्या अच्छा क्वेश्चन था, मैंने बोला हाँ मुझे तो अच्छा लगा, आप चेक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास टू वाटर, पहले मैं क्वेश्चन नंबर 8 के पहले क्वेश्चन नंबर 9 ही कराना चाहूंगा वापस से, क्योंकि सेम है ना, आपको बोला है एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 132 किलोमीटर जिसकी स्पीड 11 किलोमीटर ज्यादा है, मतलब अगर मैं बात करूं ये नॉर्मल ट्रेन है, एक तरफ कौन सी ट्रेन है एक्सप्रेस, एक तरफ ट्रेन है नॉर्मल, अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखो डिस्टेंस वहां पे भी कितना है 132, नॉर्मल ट्रेन की स्पीड कितनी है x, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी है x प्लस 11, तो इसको एक्सप्रेस ट्रेन को अगर इसको टाइम 1 है इसका टाइम 2 है इसको 1 आर लेस लगता है, इसकी स्पीड क्या है ज्यादा, तो अगर स्पीड मोर है तो टाइम क्या लगेगा कम, तो अपन बोल सकते हैं क्या कि टाइम 2 इज 1 आर लेस देन व्हाट टाइम 1, तो कैन वी से टाइम 1 माइनस टाइम 2 इज इक्वल टू कितना 1 आवर, सर यार ये बात भी अच्छी बता रहे हो, टाइम 1 माइनस टाइम 2 मतलब 132 अपॉन में व्हाट दोस्तों x प्लस 11 माइनस 132 अपॉन में कितना x इक्वल टू कितना 1, सही है, मैंने बोला हाँ यार ये सही, तो मैं बात करूं ना ना 132 by x आएगा t1, yes 132 by x आएगा बिल्कुल सही, यहाँ पे क्योंकि time है ना 132 by क्या है x और यहाँ पे 132 by क्या है x plus 11, sir का 132 common ले लेते bracket में कितना आ जाएगा 1 by x minus 1 upon में x plus 11 is equal to 1, तो 132 x plus 11 minus x x into x plus 11 अगेन इज इक्वल टू कितना 1, क्या सर x से x कैंसिल हो गया, यस तो 132 इनटू 11 इज इक्वल टू चला क्या गया x स्क्वायर प्लस 11, सर ये भी सही है, मैंने बोला हाँ यार सही तो है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 142
इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x, ठीक है क्या सर? ये भी सही है। अब अगर मैं आपसे और भी बात कर लूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1432 इक्वल टू कितना? अब अगर यहाँ पे 11 को तोड़ना हो कि 1432 आए, तो शायद अगर मैं आपसे बोलूं कि कहीं ना कहीं अगर मेरे को तोड़ना हो तो मैं किस प्रकार से तोड़ूंगा, 42 इंटू 31 देख लेंगे एक बार, चेक करो 42 इंटू 31 कितना रहा है, या 1302, तो ऐसा करो 47 इंटू 36 चेक करो, 46 कितना रहा है, 46 आ रहा है, 47 इंटू 42, एक मिनट, 42 इंटू 31 यही आ रहा है क्या, एक बार चेक कर लो, 42 इंटू 31 कितना आ रहा है एक बार, 1302, तो 44 इंटू 45 46 इंटू 37 भी आना चाहिए मेरे पास, तो एक बार चेक करो 132 इंटू 11 कितना होता है, 1452 होता है ये, तो यहाँ पे 1452 ले लो, और फिर इसको क्या करना है आपको, स्प्लिट, तो 1452 में देखो कहाँ स्प्लिट हो रहा है वो, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर आप 46 इंटू 35, एक सेकेंड, यहाँ 47 इंटू 36 करके देखो, स्प्लिट करना पड़ेगा इसको यहाँ पे, तो फिर एक बार 45 इंटू 34 चेक करो, 1530, बस फिर आंसर आ गया 44 इंटू 33, तो अगर आप चेक करोगे तो चेक करके देख लो, 44x माइनस कितना 33x माइनस 14 इक्वल टू कितना, तो सर अगर अपन इसको कॉमन भी ले, x प्लस 44 x प्लस 44 इक्वल टू, तो x माइनस 33 प्लस 44 तो x इक्वल टू कितना, इसी बात पे आज के लेक्चर को समाप्त करूंगा।